चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। सीजीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस फास्ट ट्रैक कोर्स के माध्यम से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और टारगेट हमारा सीजीपीएससी 2019 का प्रारंभिक परीक्षा। जो नए बच्चे हैं उनको एक बार फिर से मैं शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 8 बजे हम लोग पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं निकट मैम के साथ, तो पॉलिटी वाला सेशन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि हर साल पीएससी में देखते हो कि अब 10 से 12 पॉलिटी के क्वेश्चंस होते ही हैं। तो वहाँ अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस वहाँ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। शाम को 5 बजे मेरे साथ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फेस वन में। पिछले एक साल में जितने भी छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी को आप मेरे साथ शाम को 5 बजे कर रहे हो, और रात को 8 बजे सत्येन सर और खुशबू मैम के साथ में वहाँ पर आप लोग छत्तीसगढ़ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो। पीएससी में खासकर छत्तीसगढ़ का वेटेज जो है काफ़ी अच्छा होता है, 50% के आसपास होता है, तो आप लोग का एक इंपॉर्टेंट सेशन रात को 8 बजे चल रहा है। फेज वन लगभग आपका ये जो है 5 से 8 जनवरी के आसपास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फेज टू स्टार्ट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को वहाँ पर रिवाइज करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हम लोग वहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग मंडे से सैटरडे तक ये सेशन चला रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। संडे को आप लोगों के लिए खास रखा गया है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के इंपॉर्टेंट डेटा। सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे दो वीडियो संडे को आपको मिलेंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के इंपॉर्टेंट कुछ डेटा से संबंधित, और संडे को 5 बजे आप लोगों का लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हम और आप कुछ कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे, किस तरह से अब रणनीति होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। और मैंने कल एक पोस्ट भी किया था कि कल शाम को 5 बजे ही लाइव सेशन में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट में खासकर आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, वो पता चलेगा कल आप लोगों को शाम को 5 बजे। तो कल लाइव सेशन में 5 बजे आप लोग जरूर आइएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी मोबाइल कोर्स से जुड़ना चाहते हो, घर बैठे आसानी से सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, बड़े शहर में जाके कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर लें या फिर आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अपने इस सेशन की तरफ। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटोमोटिव सेक्टर तथा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में MOU साइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव सेक्टर तथा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जून 2019 में छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में एक टीम जाती है कैनेडा। तो यही कैनेडा में जो है छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव सेक्टर, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के साथ में एक MOU साइन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में कितने का इजाफा किया गया है। ऑप्शन है 1500, दूसरा है 1250, तीसरा है 750 या फिर चौथा 950। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और जवाब दीजिए, बताइए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय में कितने का इजाफा किया गया था। इसको हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला वीकली में डिस्कस भी किया था। ये जो न्यूज़ है आपका मई या फिर जून 2019 का है। आप लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है, पर इसमें हिस्सेदारी जो है 60-40 के रेशियो में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होती है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मई और जून के महीने के आसपास में एक फैसला लिया गया जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय, आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय में इजाफा किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1500 रुपये का इजाफा किया गया, आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय में 750 रुपये का इजाफा किया गया और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1250 रुपये का इजाफा किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था सहायिका के लिए, तो सहायिका के लिए 750 रुपये आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूछा जाए तो 1500 रुपये आंसर लीजिएगा, अगर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूछा जाए तो 1250 रुपये आंसर लीजिएगा, ठीक है। और ये बढ़ा हुआ मानदेय छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2019, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर गठित अनुशंसा समिति में कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ शराबबंदी बहुत
एक समय पे न्यूज़ में भी रहा, बहुत आंदोलन भी हुए कुछ कुछ जगहों पर, और अभी भी है। शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस चीज़ को शामिल किया था और तीन समितियों का गठन भी किया गया था। तीन समिति मैं बोल रहा हूँ। पहला समिति कौन सा था? पहला समिति आपका था राजनैतिक, या फिर इसे आप अनुशंसा समिति भी कह सकते हो। दूसरी समिति थी यहाँ पर प्रशासनिक, और तीसरी समिति सामाजिक। ठीक है, प्रशासनिक और राजनैतिक समिति यानी कि शराबबंदी को लेकर राजनैतिक वहाँ पर गतिविधियाँ किस प्रकार से हो सकती है इसके लिए राजनीतिक समिति का गठन किया गया। दूसरा प्रशासनिक कि शराबबंदी से लेकर आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा जो टैक्स आता है आपको इस तरह से शराब से आता है, यानी कि उस पर टैक्स लगा के एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है राज्य सरकारें, तो यहाँ पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिए प्रशासनिक समिति, और सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा इसलिए सामाजिक समिति। तो यहाँ पर राजनीतिक और अनुशंसा जो समिति है वो 9 सदस्यीय समिति थी। किसकी अध्यक्षता में थी? ये था आपके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के अध्यक्षता में। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, राजनीतिक और अनुशंसा समिति 9 सदस्यीय समिति थी जो कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और अगर टोटल कितनी समिति गठित की गई थी शराबबंदी से संबंधित या किया गया है पूछा जाए तो आप तीन समिति आंसर लेंगे, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेश सरकार के 13वें मंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। 13वें मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार में किनको शामिल किया गया है थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। तो यहाँ मंत्री टोटल कितने होंगे? 15% इसका निकाल लो, यानी कि 13 मंत्री छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं। नई सरकार जब गठन हुआ तो 12 मंत्रियों ने शपथ लिया, एक मंत्री का पद खाली हो गया था। तो सीतापुर के विधायक हैं, सीतापुर आपका आता है सरगुजा जिले में, वहाँ के विधायक हैं अमरजीत भगत, इनको 13वें मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, कौन कौन सा विभाग में इनको मिला ये भी याद रखिएगा, इनको विभाग मिला खाद्य, योजना और संस्कृति जैसा विभाग इनके अंडर में रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार के 13वें मंत्री के रूप में बाद में इन्होंने शपथ लिया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सांसदों में से कौन पूर्व में छत्तीसगढ़ पीएससी के सदस्य रह चुके हैं? छत्तीसगढ़ पूर्व पीएससी का सदस्य कहने का मतलब है सीजीपीएससी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं और ये लोकसभा चुनाव 2019 लड़कर संसद भी पहुंच चुके हैं। तो इनका नाम बताइए, ऑप्शन है आपके पास में संतोष पांडे, मोहन मंडावी, अरुण साव या फिर विजय बघेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा बी, मोहन मंडावी। मोहन मंडावी जो हैं कांकेर लोकसभा सीट से जीतकर भाजपा के प्रत्याशी हैं और कांकेर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं और ये 2015 में छत्तीसगढ़ पीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए थे और जब इनको लोकसभा की सीटें मिली तो इन्होंने पीएससी से इस्तीफा दे दिया। तो कई बार देखते हो ना कि पीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पिछले साल क्या पूछा था कि कोई एक विधायक बनी थी और वो विधायक कौन से क्षेत्र से बनी है या फिर उस विधायक का बैकग्राउंड क्या था, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आए थे पिछले साल। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बी, मोहन मंडावी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो जो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यूरेनियम का खनन किया जाएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिस महीने में ये न्यूज़ आया था बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका जुलाई से अगस्त महीने के आसपास ये न्यूज़ था और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में यूरेनियम का जो है उत्खनन किया जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये था आपका छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित जजावाल यूरेनियम परियोजना के तहत में आपका यूरेनियम का उत्खनन किया जाएगा। कौन से जिले में था? सूरजपुर में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? सी। और एक आंकड़ों के अनुसार अगर हम छत्तीसगढ़ में यूरेनियम का भंडार देखें तो ये हमको मिलता है 3986 मीट्रिक टन, इतना छत्तीसगढ़ में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है एक आंकड़ों के अनुसार में। और अगर देखोगे कि छत्तीसगढ़ में इस सूरजपुर के जजावल परियोजना के अलावा छत्तीसगढ़ में और कहां कहां यूरेनियम के भंडार हैं तो ये आपका यहां पर मिल जाता है, एक तो जजावल हो गया, एक तो बादेल हो गया और दूसरा भंडारी टोला हो गया। तो इन और ये जगह आ जाते हैं आपके राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में। तो सूरजपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ जिला,
इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। यूरेनियम भंडार से संबंधित अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इन तीन जगहों को पता होगा। और केंद्र सरकार के यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल कौन से क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो सूरजपुर के जजावल के लिए दिया गया है। इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पांचवा शक्कर कारखाना खोला जाएगा? पांचवा शक्कर कारखाना खोले जाने की घोषणा बहुत पहले की गई थी, लेकिन इस बार फिर से ये न्यूज़ जोर में पकड़ा, क्योंकि जो भूमि आवंटन था इस शक्कर कारखाना के लिए उसका कर दिया गया। तो बताइए छत्तीसगढ़ प्रदेश का पांचवा शक्कर कारखाना कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन है आपके सामने कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा या फिर जसपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा मैं आपको बताता हूँ, सी होगा, बेमेतरा। बेमेतरा के चंदनू है, तो बेमेतरा के चंदनू में आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश का पांचवा शक्कर कारखाना खोले जाने हेतु प्रस्तावित है, जिसका भूमि आवंटन हो चुका है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बनना चाहिए। और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अभी वर्तमान समय में शक्कर कारखाना जो है वो कार्यरत है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका और सबसे बड़ा आ जाता है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा में। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना आपका सूरजपुर जिले में स्थित है। और इसके अलावा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद जिले में। और इसके अलावा जो आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ये आपका है कवर्धा में। तो कवर्धा में दो सहकारी शक्कर कारखाने हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की लगभग 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर को कितने करोड़ की बकाया राशि माफ़ करने का ऐलान लिया गया है? यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किसानों का सिंचाई कर बाकी था, लगभग 15 सालों से वो पेंडिंग था, कितने करोड़ का था, जिसे सरकार ने माफ़ करने का फैसला ले लिया गया है, मतलब फैसला दिया गया है। ये क्वेश्चन हालांकि ना बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था माफ़ करने का, लेकिन कुछ समय पूर्व ही इसकी फंडिंग रिलीज कर दी है और किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ कर दिया गया है। तो बताइए कितने करोड़ रुपये का रकम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों का जो लोन वाला कर्ज माफी था लगभग 10,000 करोड़ का, वो भी माफ़ किया गया, सिंचाई कर भी माफ़ किया गया। तो सिंचाई कर कितने का था? 150 करोड़, 187 करोड़, 207 करोड़, 308 करोड़। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 207 करोड़ रुपए की माफ़ी की गई है, जो लगभग 15 सालों से सिंचाई कर पेंडिंग था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रोजेक्ट को विश्व बैंक से 1500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है? अगर कोई वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उसका अगर रिलेशन किसी तरह से छत्तीसगढ़ से होता है तो ये CGPSC में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ के चिराग प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक से 1500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो क्या होगा वो आपका ऑप्शन ई होगा, चिराग प्रोजेक्ट को। तो अभी चिराग प्रोजेक्ट क्या है ये ध्यान रख लीजिए। तो चिराग प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस प्रोजेक्टेड में खासकर एग्रीकल्चर यानी कि रूरल क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ के लिए चिराग प्रोजेक्ट को लाया गया था, और इसमें वर्ल्ड बैंक से मदद मिला गया, और खासकर दो संभाग सरगुजा और बस्तर, इन दो क्षेत्रों में रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस 1500 करोड़ रुपए का जो है फंड रिलीज़ किया है चिराग प्रोजेक्ट के तहत में, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदेश का पहला रोजगार मॉडल कैरियर सेंटर किस जिले में शुरू किया गया? प्रदेश का पहला रोजगार मॉडल कैरियर सेंटर किस जिले में शुरू किया गया? ये न्यूज़ आपका जस्ट पिछले महीने का है। ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, बलरामपुर या फिर रायपुर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, बलरामपुर। बलरामपुर जिला प्रशासन की तरफ से प्रदेश का पहला जो है रोजगार मॉडल कैरियर सेंटर खोला गया, और इस रोजगार मॉडल कैरियर सेंटर के मदद से हर साल लगभग 5,000 युवाओं को जो है बलरामपुर ज़िले में रोज़गार दिया जाएगा। और ये सेंटर जो है आपका वहाँ का जो जिला प्रशासन का मुख्यालय है वहीं खोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बलरामपुर,
ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नवाचारी मशरूम उत्पादक किसान को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने राजेंद्र कुमार साहू, सुनील देवांगन, अरविंद प्रधान या फिर ऑल ऑफ द एवर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। इसको हमने डिस्कस भी किया था और उस समय भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा नाम? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र कुमार साहू। राजेंद्र कुमार साहू रहने वाले हैं आपके बसना विकास खंड के। बसना विकास खंड कहाँ आता है? आपका महासमुंद जिले में आता है। और मशरूम निदेशालय सोलन, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसकी तरफ से इन्हें प्रगतिशील मशरूम उत्पादक सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। फिर से नाम बता दे रहा हूँ, राजेंद्र कुमार साहू, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने इनोवेशन से जो भी क्षमता था उसके आधार पर मशरूम की खेती को एक नई पहचान दिलाए हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर बसना विकास खंड महासमुंद में। तो याद रखिएगा ये नाम राजेंद्र कुमार साहू का, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा CG 1023, ठीक, CG 1023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धान की एक नई किस्म है, गेहूं की एक नई किस्म है, चने की एक नई किस्म है या फिर मशरूम की एक नई किस्म है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई खोज की गई है, एक नई किस्म की खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया CG 1023। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं की एक नई किस्म है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपका इंदिरा गांधी रायपुर, वहाँ के वैज्ञानिकों ने ठाकुर बैरिस्टर कृषि कॉलेज बिलासपुर के साथ में मिलकर गेहूं के एक नई किस्म की खोज की है। और ये छत्तीसगढ़ में जो गेहूं की एक नई किस्म की खोज की गई है वो बहुत उन्नत किस्म की गेहूं है, और ये छत्तीसगढ़ में उन्नत किस्म की खोजी गई 5वीं गेहूं की प्रजाति है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है CG 1023। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ना इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद रखिएगा यह एक गेहूं की नई किस्म है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जीरा फुल राइस, जसपुर चाय, कड़कनाथ मुर्गा, सरगुजा मशरूम, ठीक। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप लोगों को इसका पता भी होगा, तो छत्तीसगढ़ के जीरा फुल राइस को जो है यहाँ पर GI टैग दिया गया है, और ये जीरा फुल जो राइस है सरगुजा संभाग में खासकर यहाँ पर बहुत इसका उत्पादन किया जाता है। और कड़कनाथ मुर्गे को जो GI टैग है वो छत्तीसगढ़ का कड़कनाथ मुर्गा और मध्य प्रदेश के झबुआ के कड़कनाथ मुर्गा के बीच में कॉम्पिटिशन था। तो यहाँ पर झबुआ वाला जो मध्य प्रदेश वाला कड़कनाथ मुर्गा था उसको GI टैग मिल गया था और छत्तीसगढ़ के कड़कनाथ मुर्गे को नहीं मिल पाया था, लेकिन जीरा फुल राइस को छत्तीसगढ़ को GI टैग प्राप्त किया गया था। GI टैग का मतलब आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका पूरा नाम होता है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया था 2004 में। GI टैग का मुख्यालय आपका चेन्नई में है, वहीं से सारा GI टैग दिया जाता है। और किसी उत्पाद को अगर GI टैग दिया जाता है तो उस उत्पाद की वैल्यू बढ़ जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ जाता है, उसके अलावा इसको संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से GI टैग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग याद में रखिएगा, ठीक। और इंडिया के जो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है 2019 में खासकर, तो वो हम लोग नेशनल करेंट अफेयर वाली वीडियोज जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला सेब का बागान कहाँ तैयार किया गया है? ऑप्शन ए मैनपाट, जसपुर, रामानुजगंज या फिर बस्तर। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, सेब की खेती का मतलब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन हो जाता है कि जो प्रदेश सबसे ठंड वाला एरिया है या जिस प्रदेश में बहुत अधिक ठंड गिरती है, जिस क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड गिरती है उस क्षेत्र में सेब की खेती होती है। हम लोग बचपन से इसको सुनते आए हैं। तो लॉजिक लगाइए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंड कौन से क्षेत्र में गिरती है? अंबिकापुर के मैनपाट में सबसे ज़्यादा ठंड गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मैनपाट होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर की तरफ से प्रयोग किया गया है सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में,
वहाँ पर पहली बार सेब का बागान लगाया गया है, और ये सेब का बागान रेड सेब और ग्रीन सेब दोनों तरह से लगाए गए हैं, और जहाँ पर एक अच्छी किस्म की पैदा भी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ध्यान रखिएगा मैन पार्ट, जहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बार सेब का बागान लगाया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं, और इस सेशन का हमारा ये लास्ट का क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी जल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार रायपुर को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हमारा जो है नवंबर के लास्ट का जो है ये टॉपिक है। तो बताइए कि जल गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया भारत सरकार की तरफ से, और इस जल गुणवत्ता की रिपोर्ट में जो है मुंबई जो है आपका पहले स्थान पर है। जल गुणवत्ता में मुंबई पहले स्थान पर है, यानी कि स्वच्छ जल के मामले में मुंबई सबसे पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है आपका रायपुर। ठीक, तो याद रखिएगा जल गुणवत्ता के मामले में जो भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज किया गया उसके अनुसार मुंबई के बाद रायपुर दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो बी होगा, दूसरा। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन, लगभग हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, और कल है संडे, तो संडे को सुबह 8 बजे आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको जरूर कीजिएगा। रात को 8 बजे भी आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग वहाँ भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा करेंगे, और कल शाम को 5 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। वहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि एक इंपॉर्टेंट बहुत सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए खासकर, और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ है आप लोगों के लिए और बहुत हेल्प करने वाला है, तो उसको उस पर हम लोग डिस्कस कल 5 बजे करेंगे। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग डेली 50 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को घर बैठे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे CGPSC की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बड़े शहरों में रहकर करते हैं, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, कुछ छोटे शहरों में रहते हैं। तो जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे होते हैं और छोटे शहरों वाले क्षेत्र वाले बच्चे होते हैं ना, उनके पास में ज़्यादा सुविधा नहीं होती। तो हमारी कोशिश बहुत हद तक है कि उन बच्चों तक भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर जाएँ ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो ये सारा जो प्रोग्राम है ना इन लोगों के लिए ही है, और तो इन लोगों के लिए ही है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और वहाँ पर जाइएगा और 50 क्वेश्चन के सेट को आप लोग प्रैक्टिस डेली किया कीजिए ताकि आप लोगों को वहाँ से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। बाकी आने वाली स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए कल 5 बजे उस पर हम लोग आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे बहुत सारे। तो इस वीडियो में फिलहाल इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।